हमारे साथ इस समय चौधरी लाल सिंह मौजूद हैं। चौधरी लाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान में आपका बातचीत करने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस समय देश की जो राजनीति है और जम्मू कश्मीर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर तो इस समय जम्मू तो किसी खाते में नहीं है, कश्मीर खाते में है। आई इलेक्शन पोस्टपोन की बात करी तो कश्मीर के अटैक के लिए कहा। जम्मू वालों ने जो राष्ट्र के साथ खड़े लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस, उनकी भावनाओं को ठेस लगा रहे हो आप लोग। यहाँ इलेक्शन ही होने चाहिए। हम कह रहे हैं जम्मू स्टेट बना दो, यहाँ ना मिल्टन सीन उग्रवाद है, और द प्रॉब्लम हेयर, क्यों इलेक्शन को एक्सटेंड करोगे आप? यहाँ तो MLA के इलेक्शन भी होने चाहिए, यहाँ सरकार बनी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए अलग से। और आपको क्या लगता है कि 15 अक्टूबर से पहले अंदेशा ये लगाए जा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 का फैसला जो है वो हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर? एक फैसला अनुच्छेद 370 को लेकर मैं लगते हुए तो चलता नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा ठीक डिसीजन करना तो मेरे ख्याल है कि ये फैसला सरकार के खिलाफ जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस समय मल्टीपल लोकेशन में पूरे भारत में जो है इन्हें ये रेड कर रहा है, और दूसरी तरफ खालिस्तान और जस्टिन ट्रूडो को आप किस तरह से देखते हैं, जो भारत पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो तंज कसा था? जो तंज कसा था जिसमें कहीं ना कहीं ये कहने की बात की जा रही कि खालिस्तान बनाना है कनाडा को, और उसी के साथ साथ किस तरह से हमें जम्मू बचाना कनाडा मामे लौटते ना थे साढ़े बड़े दस यार। आप लोग भी अपनी इलाके अपनी ज़मीन हमारी खिसक रही है, हम कनाडा वाले की चिंता कर रहे हैं। कनाडा वाले मौज मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुबह शाम डांस कर रहे हैं, सड़कों पे डांस हो रहा है। क्या तकलीफ है उधर? कौन सी क्या प्रॉब्लम है उधर? अपनी बात करें, जो जम्मू लुट रहा है, जो हमारी इन बुजुर्गों की मूछ नीचे हो रही है उसकी चिंता की बात है। यहाँ पगड़ी हमारी ख़राब हो रही उसकी बात है। हमें कनाडा बनेडा में हमें कुछ नहीं, हमें क्या लेना उनको? आई हैव नो इंटरेस्ट अबाउट कनाडा, आई हैव नो अबाउट एनी वेयर। हम ये इंटरेस्ट नहीं हमारा, हम कहते कश्मीर फले, लेकिन जम्मू के छाती के ऊपर मोंग ना डले जाएं। हमारा जहाँ स्टेट बननी चाहिए, अलग स्टेट बननी चाहिए, जम्मू स्टेट आनी चाहिए और जम्मू का अधिकार मिलना चाहिए। जम्मू में अलग स्टेट हो, जम्मू में 370 लगे, जो यहाँ फ्लड आ रहा है बाहर का रोका जाए। हमारे बच्चों की नौकरियाँ सुरक्षित हों, बचें, हमारे बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित हो, हमारे पेशेंट की सुनाई हो, हमारे हर जमींदार की जमीन को बचाया जाए। भी बांट देश सवाल करूँगा। भाजपा के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जम्मू में तरक्की हुई है और जम्मू कश्मीर जो है वो अब नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है बार बार ये कोई शक है? तस्वीर बदली नहीं है, सारा जम्मू खंड रहे नहीं तस्वीर बदली। ठीक है, उन्होंने कठुआ से जम्मू तक आते 4 महीने से तस्वीर बदली नहीं कि लोगों का आने जाना मुहाल हुआ है, एक पुल टिल्ट हुआ है, चंद्रयान में पहुंचने वाले तरना नाला तो क्रॉसिंग हो रहे हैं, इनसे तरक्की नहीं हुई? इससे बड़ी तरक्की और क्या होनी है? नौकरी कोई किसी को मिल नहीं रही है, नौकरी किसी को दी नहीं जा रही, और वेकेंट पड़ी पोस्टेस हैं, हॉस्पिटलों में इलाज प्रॉपर चल नहीं रहा, और मेडिकल कॉलेज के लोग रेफर कहाँ हो रहे? नर्सिंग होम में। हद है यार, मेडिकल कॉलेज से ऊपर कुछ होता है क्या? मेडिकल कॉलेज में वो पेशेंट जाता है जो पेशेंट सबसे टफ हो और मुश्किल में हो उसको बचाने के लिए जाता है, और नए एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ, थ्योरी वहाँ एक वो लिखे जाते हैं, वहाँ सारा लिखा जाता है कि कौन सा बीमारी अभी आने वाली है, कौन सी बचाई जाएगी। तो आप देख रहे हो हॉस्पिटलों की हालत, तो ये तरक्की नहीं हुई इनकी वजह से, और जितना लोगों पे बिजली का किराया दे पा रहा कोई, आप ही सोचो पहले अपने घर की बात करना। मैं किसी की नहीं करता, मैं और अपनी कर लेते हैं दोनों, इसकी भी कर रहे, इसकी कर रहे, पूछ लो कि 4 गुना बिजली का रेट बढ़ा है, 4 गुना आपकी आमदन बढ़ी है, 4 गुना किसी गाहक बढ़ा है, 4 गुना किसी की पेंशन बढ़ी है, 4 गुना किसकी नौकरी बढ़ी है, बुजुर्गों बुढ़ों को विधवाओं को पेंशन मिलती तो बंद हो गई है, मिला क्या लोगों को? और यही तरक्की है इनकी समझ जहाँ तक। ये दिल्ली गए थे सारे बड़े नेता भाजपा के, अमित शाह JP नड्डा जी से मुलाकात हुई है, कह रहे हैं कि सब मुद्दों पे बात हुई है जल्द इस पर। मुझे ईमानदारी से बताओ, JP नड्डा साहब की सुनाई हो रही है क्या? उनके मुताबिक चल रहा है क्या सिस्टम? एक कौन सी गलत फहमी में पड़ रहे हैं आप लोग?
और आप तो यहाँ तक पहुँच जाते हो यहाँ के प्रेसिडेंट को, दूसरों को। ये तो ये प्रेसिडेंट यहाँ के जो लोग हैं ये हंसी मजाक करके सारे लोगों की गालियाँ अपने पर ले लेते हैं और बचा किसको रहे हैं जो हुकूमतें कर रहे हैं। हुकूमतें के ये लोग सोचते हैं इसको, इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सारी चलाकियाँ लगा के, सारी झूठी मूठी बातें करके, तरक्की झूठी मूठी दिखा के, सब कुछ करके फिर कहना कोई चिंता नहीं करो, सब कुछ कहना, लेकिन किसके लिए? लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं जानते। भाई साहब, जो हुकूमत कर रहा है उसको लोगों ने रगड़ना था, लेकिन रास्ते में ये हडल हैं जो रास्ते में खड़े होते हैं और अपनी गाली खा लेते हैं सारी। दिस इज वेरी क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि चौधरी लाल सिंह थे जिन्होंने बात की है और ये साथ रहा है, और आपने देखा कि उनकी बात रखते हुए नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से, नमस्कार।